बिग बॉस सीजन 16। जी हाँ, ये सीजन कुछ भी हो सकता है, बिग बॉस खुद तो खेल ही रहे हैं। कंटेस्टेंट्स भी बिल्कुल कम नहीं है, ये कंटेस्टेंट्स काफ़ी अच्छा खेलते हुए नज़र आ रहे हैं और दो हफ्तों का प्रदर्शन देखते हुए कहीं ना कहीं अच्छा ही चलता हुआ नज़र आ रहा है। तीसरा हफ्ता शुरू हो चुका है एंड ऑफकोर्स नॉमिनेशंस भी सामने आ गए हैं। आज के एपिसोड में हमें नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स आखिर कौन है ये पता चलेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें हमारी खबरों से हम तक कौन सी बात पहुंची है, क्या कुछ कह रहे हैं हमारे सोर्सेस, कौन है इस हफ्ते बिग बॉस के घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेटेड। नाम सुन के बड़ा झटका लगने वाला है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल ज़रूर हो सकता है, और अगर बिग बॉस चाहे और अगर ऑडियंसिस चाहे तो इसमें भी बड़ा ट्विस्ट आ सकता है। चलिए आपको बताते हैं क्या कुछ हो रहा इस हफ्ते, कौन है बेघर होने के लिए नॉमिनेटेड। मैं वेदांगी कर्णिक आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल फीफा फूस पर, और बता दें आपको कि इस हफ्ते हमें पता है, बिकॉज पिछले हफ्ते बिग बॉस ने सज़ा दी थी गौतम के कहने पर कि जो कैप्टनसी टास्क था गौतम वर्सेस शिव, उसमें हाथापाई हुई थी, लग गया था अर्चना को ड्यू टू शालीन, तो दो हफ्ते के लिए वो सीधे सीधे नॉमिनेटेड है। एक पिछला हफ्ता हो गया, इस हफ्ते ऑफकोर्स उनका नाम तो नॉमिनेटेड लिस्ट में आता ही आता है। सो यस, नो प्राइजेस फॉर गेसिंग, नो ब्राउनी पॉइंट्स, बट यस शालीन नॉमिनेटेड है फॉर श्योर। बाकी दो कंटेस्टेंट्स कौन नॉमिनेटेड हमें कल के प्रोमो में ही पता चल गया है, एक नाम तो फॉर श्योर, और अब दूसरा नाम भी आपको बताती हूँ। बड़ी खबर जिस तरीके से आ रही है उस हिसाब से ये हो रहा है कि जो आज के एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा, ऐसे कौन से दो कंटेस्टेंट्स हैं जिनका योगदान सबसे कम रहा है बिग बॉस के घर में अब तक, तो ज़्यादा से ज़्यादा नाम सुंबुल के आ रहे हैं। तो यस, सुंबुल इज़ नॉमिनेटेड, सुंबुल का नाम नॉमिनेशन में आ चुका है एंड वो नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स में से एक है। तो शालीन और सुंबुल दोनों की लड़ाई बिग बॉस के अंदर होने वाली है इन द फॉर्म ऑफ नॉमिनेशंस, कि आखिर कौन बचेगा कौन रहेगा। बट उसके साथ साथ अगला नाम आ रहा है मान्या सिंह का। जी हाँ, मिस इंडिया रनर अप रह चुकी मान्या सिंह, जो पहले दो तीन दिन बिग बॉस में सही चल रही थी, ओपिनेटेड थी और कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हो सकती है आगे जाकर, ये लग भी रहा था, लेकिन उसके बाद वो काफ़ी फुस होती हुई नज़र आई, ज़्यादातर उनका योगदान नहीं दिखा। शुजिता के साथ उनकी जो एक फ़ाइट हुई वो, और बीच में अभी अर्चना के साथ वो फ़ाइट हुई वो, अदरवाइज़ उनका आज तक कोई बड़ा योगदान नहीं है, इसीलिए उनका भी नाम लिया गया है। और इस बार सिर्फ ये तीन ही नॉमिनेटेड है। जी हाँ, इस हफ्ते बेघर होने के लिए तीन लोग नॉमिनेटेड है, और वो तीन लोग हैं शालीन, सुंबुल एंड मान्या। जी हाँ, ये तीन नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स हैं, और जहाँ तक हम देख पा रहे हैं, अगर यू नो इफ वी सी घर वालों का किस तरीके से कहना होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कौन किसको सपोर्ट करेगा, किसका फैंडम स्ट्रांग है, तो ऑफकोर्स सुंबुल का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। शालीन कहीं ना कहीं अच्छा खासा कंटेंट दे रहे हैं, सो लोग उन्हें बचाएंगे, लोगों को सुंबुल शालीन टीना का एक ट्रायंगल कुछ लोग पसंद नहीं कर रहे पर कुछ लोग पसंद भी कर रहे हैं, तो येस देयर इज़ अ चांस लोग उन्हें भी वोट करें। मान्या को शायद वोट कम आने के चांसेस है, बिकॉज उनका एज सच कोई योगदान नहीं रहा है, उनके बारे में सोशल मीडिया पर भी इतनी चर्चा नहीं होती है, यू नो कि घर के अंदर भी नहीं होती, घर के बाहर भी नहीं होती, तो उसके लिए काफ़ी डेंजर सिचुएशन है। और आपको ये भी बता देती हूँ कि एक टास्क ऐसा भी हो सकता है इन तीनों में से किसी एक को नॉमिनेशन से बचने का, तो तीनों को अपना बेस्ट देना होगा नॉमिनेशन से बचने के लिए, और फिर इन तीनों में से जो भी नॉमिनेटेड नॉमिनेशन के बाद वाला जो टास्क है वो हार जाएगा, वो दोनों लोग नॉमिनेशंस में कंटिन्यू होंगे और एक पर्सन नॉमिनेशन से बच सकता है अगर वो टास्क हुआ तो, जिसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। सो यस, ये है वो बड़ा ट्विस्ट कि अब तीन के बदले सिर्फ दो ही नॉमिनेटेड होंगे, तो क्या नॉमिनेशन से बचने के टास्क में शालीन, सुंबुल और मान्या में से कोई एक सेफ हो पाएगा, और अगर वो एक जन सेफ हो गया तो क्या कुछ इक्वेशन बदल सकती है। समझ लो, अगर सुंबुल सेफ हो गई तो इट विल बी मान्या वर्सेस शालीन, शालीन सेफ हो गए तो सुंबुल वर्सेस मान्या, और अगर मान्या सेफ हो गई तो फिर शालीन वर्सेस सुंबुल। क्या है आपको इस पर कहना, लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स।